नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं अपने सहयोगी अनुज मिश्रा के साथ प्रद्युमन मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी अहम कड़ी को लेकर या मजबूत पहलू को लेकर, जिसे लेकर लगातार शक पर शक गहराए जा रहे हैं। तो वहीं खुलासों ने भी कहीं ना कहीं इस केस का रुख किसी और तरफ ही मोड़ दिया है। अनुज जी, सबसे पहले बात करना चाहूंगी प्रद्युमन केस को लेकर कि जिस तरह से प्रिंसिपल को लेकर खुलासा हुआ था जब ये इस केस की शुरुआत हुई थी, जब ये हत्याकांड हुआ था, तो वहाँ पे जब आरोपी बस कंडक्टर ने अपना जुर्म कबूला, उसके बाद से उसने पेशी के दौरान कहा कि उसने प्रिंसिपल के कहने पर जी अपना जुर्म कबूल, वो प्रिंसिपल के कहने पर उसने ऐसा किया है, उसने अपना इसीलिए जुर्म कबूल किया है। तो ये तो चीज़ें साफ हो जाती हैं। अगर प्रिंसिपल के कहने पर ये सब किया है तो सीबीआई को, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको पहले पूछताछ करना चाहिए प्रिंसिपल को लेकर के। जब सुनने को मिला था कि अशोक की जो भाभी है, उन्होंने यही बोला है कि जो आरोपी है अशोक जी, उसको सिर्फ 25 लाख रुपए जो बताया जा रहा है कि उसको दिए गए हैं वो प्रिंसिपल ने, तो राज फिर यहीं से शुरू हो जाता है कि प्रिंसिपल को आड़े हाथों लेना चाहिए और उससे पूरी पूछताछ करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया है उसी स्कूल में, उसी किसी और शाखा ब्रांच में जी। हाँ, लेकिन उसको बर्खास्त करने के अलावा उसको ये किया गया, दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि प्रिंसिपल से पूरी अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। और वही फिर बात आ जाती है कि स्कूल के अंदर ही कोई अपराधी जो इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जैसे नार्कोटेक्स जो ये सारी चीज़ें आई थी सामने, तो उन्हीं लोगों को, स्टाफ को घेरना चाहिए और प्रिंसिपल को घेरना चाहिए, और जो लोग कर्मचारी हैं उनको लेकर के ये सारी चीज़ें जांच पूरी करनी चाहिए। जी दर्शकों, अनुज जी ने ये बताया कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में स्कूल प्रबंधन का हाथ है। हालांकि अभी तक ये अभी सबूत सामने नहीं आए हैं, इसलिए इस मद्देनजर अभी किसी को शक के घेरे में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी लिस्ट बनाई गई है उसमें स्कूल प्रबंधन से लेकर जो टीचर्स थे, जो जितने भी जुड़े हुए लोग थे प्रद्युमन से, सारे लोगों को इसमें ऐड ऑन किया गया। और सबसे सीबीआई एक एक करके बातचीत कर रही है। इसमें कुछ टीचर्स का भी नाम सामने आया था, जैसे कि प्रद्युमन की जो क्लास टीचर है अंजू, उनके हाव भाव देखकर भी लग रहा था कि कहीं ना, जिस तरह से वो सहमी हुई थी और मीडिया के सामने रो रो के क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि मुझे खुद नहीं मालूम। तो वहीं बगल में प्रिंसिपल नीरज बत्रा बैठी हुई थी, उनके तो एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो बहुत सहम गई हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। हालांकि उन्होंने अपना पक्ष ये साफ किया कि उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उनके स्कूल में ऐसा कैसे हो गया, वो खुद इस बात से बहुत दुखी हैं। लेकिन जिस तरह से आरोपी बस कंडक्टर ने कहा, प्रिंसिपल को लेकर कहा, तो ऐसे तो उसने बोल नहीं दिया होगा कि अनुज जी की उसको बचना था तो उसने किसी का नाम भी कबूल कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि जब उसकी पेशी हुई थी और जेल में जब अशोक के जो वकील हैं मोहित, उन्होंने खुद जानकारी दी इस बात की कि जब वो जेल के बाद उनसे मिला, अशोक और मोहित की मुलाकात हुई जो कि वकील हैं, तो उसने रो रो कर दर्द बयां किया कि मुझे बहुत मारा पीटा गया है और पुलिस मुझसे जबरन बयान कबूल करवा रही है, क्योंकि जबकि मैंने उसे नहीं मारा है। और वहीं पर अपने वकील को अशोक ने इस बात की जानकारी दी कि प्रिंसिपल ने मुझे 25 लाख रुपये दिए थे अपना जुर्म कबूल करने के लिए। अगर मान भी लीजिए दर्शकों की अगर आरोपी बस कंडक्टर अशोक खुद को बचाने के लिए प्रिंसिपल को फंसा रहा है, एक पक्ष ये भी हो सकता है, तो फिर सीबीआई ने इस ओर क्यों नहीं कोई ध्यान दिया? अगर वाकई प्रिंसिपल का हाथ नहीं है तो प्रिंसिपल से क्यों नहीं पूछताछ की अभी तक? वही मैं बता रहा हूँ, वही बात अभी आपको मैंने बताया कि प्रिंसिपल को लेना चाहिए, पूछताछ में लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक दिखावा कर दिया गया है कि दूसरी जो ब्रांच है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। अगर प्रिंसिपल आरोपी है तो उससे पूछताछ क्यों नहीं होती? और इसमें भी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है कि एक बार अशोक कहता है कि ये सब चीज़ें मैंने की हैं, फिर एक पहलू आता है कि उसकी भाभी जी या फिर भाभी ने और वकील ने इस चीज़ का खुलासा किया, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि केस है वो यहीं इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन हम किस चीज की खोजबीन कर रहे हैं या फिर वो सीबीआई किस चीज की खोजबीन कर रहा है? और दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी जब प्रिंसिपल को किसी और ब्रांच में ट्रांसफर किया गया तो उस वक्त प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि इससे जांच
में जो है असर पड़ सकता है, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सुना और उनको आखिरकार इस केस से अलग साइड करते हुए उन्हें ये पक्ष सामने आया था कि प्रिंसिपल का इस केस में कोई हाथ नहीं है, इसलिए उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। ये कहीं से भी आपको तथ्यपूर्ण लॉजिकल लगता है कि अगर केस किसी चीज़ की चल रही है उसमें जो कहते हैं ना कि जब तक केस का असल आरोपी ना पकड़ा जाए, हर इंसान मुजरिम होता है जो उससे जुड़ा हुआ होता है, तो प्रिंसिपल तो मेन है। हर स्कूल का जो एक जिम्मेदारी होती है प्रिंसिपल की होती है, और जिस दिन प्रद्युमन को मारा गया उस दिन तो प्रिंसिपल वहाँ पे मौजूद थी, तो फिर उसको अलग शाखा में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? प्रिंसिपल को जैसे कि स्कूल की प्रिंसिपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि उसको सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आप मौजूद हो स्कूल में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा बच्चा हर चीज़ की पहलुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें जानकारी नहीं है तो आपकी कमी है, तो आप क्यों उस चीज़ से बच रहे हो? अगर कोई ठीक है, एक मैं बात मान लेता हूँ, मान के चल रहा हूँ कि प्रिंसिपल की कोई गलती नहीं है, तो फिर प्रिंसिपल का दूसरी ब्रांच में क्यों ट्रांसफ़र किया गया? आपको वहीं रखना चाहिए प्रिंसिपल को, अगर या फिर ये सोच के रखिए कि लोगों का गुस्सा जो है उससे बचने के लिए। लेकिन दर्शकों इसी तरफ आपका रुझान आपको मैं दिखाना चाहूंगी। कमेंट्स जो हमने स्टोरी की थी कि प्रिंसिपल ने दिए 25 लाख रुपए, उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट दिया है। एक यशी कुकरेती नाम की यूजर है, उन्होंने बोला है कि कंडक्टर जो है झूठ बोल रहा है और इसी ने मारा है, और उसने उसको अच्छे से पता था कि दो बार अगर वो वार करेगा तो बच्चा मर जाएगा। तो वही सनशाइन नाम के एक यूजर है, उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होता है कि कोई खून का इल्जाम अपने सर ले ले। अगर पैसे के लालच में इल्जाम अपने सर पर लिया है तो आप क्यों मुकर रहा है इस आदमी को सरेआम? उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाया कि फांसी देनी चाहिए। खैर उनका अपना मत है, और बहुत से लोगों ने दिया है कि आपको नीचे दिखाना चाहूंगी कि एक दीपाली नाम की यूजर है, उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल के कहने पर किया है तो ऐसा करना चाहिए कि जब अशोक और प्रिंसिपल में जब बात हुई तो लालच प्रिंसिपल ने की होगी, तो प्रिंसिपल अशोक को फेस टू फेस बोलने का कहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि अगर प्रिंसिपल को उसने कटघरे में खड़ा किया है अशोक ने, और ऐसे उसने सिर्फ प्रिंसिपल का ही नाम क्यों लिया? ये सबसे बड़ी जहन में बात आ रही है कि जब ये कांड हुआ उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ, उसने पहले अपना जुर्म कबूला, फिर जाके पेशी के दौरान पलटा, 25 लाख की बात कही, फिर उसके वकील ने बोला कि उसको टॉर्चर करके जबरन बयान दिलाया गया, पुलिस भी इसमें मिली हुई है, फिर उसका कहना कि प्रिंसिपल ने 25 लाख रुपए दिए, जांच सीबीआई कर रही है, इस पहलू पे अभी तक जांच नहीं हुई है, फिर ये अगर मान लीजिए अगर शक भी है, मानती हूँ कि शक ही होगा प्रिंसिपल पे, तो दोनों का फेस टू फेस एक दूसरे से इंटरोगेशन करा देते, बात कराते और फिर उसके तथ्यों के आधार पे निष्कर्ष निकाल सकते थे। देखिए यही बेसिक जो जांच अगर शुरुआत होनी चाहिए तो इन्हीं चीजों से होनी चाहिए कि अगर उसने ये सारी चीजें बोली है तो प्रिंसिपल और जो ये अशोक है उसकी फेस टू फेस बात करनी चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए, और जब पूछताछ बैठ के सामने होगी तो बहुत सारी राज खुल के सामने आने आ सकते हैं। और इसमें एक सियाराम विश्वकर्मा नाम के यूजर है, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ तथ्य सामने आया है तो फिर तुरंत प्रिंसिपल को पकड़ना चाहिए, और वही पुलिस पे भी उन्होंने कहा है कि जब जानती है पुलिस की प्रिंसिपल का नाम सामने आया तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? बिल्कुल ये चीज देखिए उनका ये कहना सही है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल के खिलाफ बहुत सबूत मिल रहे हैं, शक के तौर पर जाहिर हो रहा है कि प्रिंसिपल ऐसा कर सकते हैं, तो ये एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि मतलब हाँ हो सकता है, तो मुझे यही लगता है कि प्रिंसिपल को और उसको बिठा के सीबीआई को पूरी तरह से पूछना चाहिए, हो सकता है कि इससे कोई राज निकल के आए। लेकिन वहीं ये दर्शकों आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा पुलिस जो है उसकी मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक शर्मा नाम के यूजर है, उन्होंने कमेंट किया है कि हरियाणा पुलिस को अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर आना चाहिए और गुनाहगारों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ढेर सारे कमेंट हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत से लोगों ने पूछा है प्रद्युमन को मारा किसने है, प्रद्युमन को इंसाफ दो, प्रिंसिपल को रिमांड में लो सब पता लग जाएगा, और वही जो हम बात करते हैं कि आक्रोश गुस्सा सब कुछ जाहिर हुआ है कमेंट के जरिए, और कमेंट की बहुत ज्यादा लंबी फेहरिस्त है, तो हम आपको वही कमेंट बता रहे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि लोगों का आक्रोश किस तरह से प्रद्युमन केस को लेकर है। इसी पे एक स्टोरी हमने ये की थी 25 लाख रुपए दिए, तो हमारी तरफ एक स्टोरी गई थी तो उस पर भी लोगों ने पुलिस की मंशा पे सवाल उठाए। श्याम सुंदर कहते हैं कि हरियाणा पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, और अशोक से पूछे किसने 25 लाख रुपए दिए हैं।
बहुत बड़ी बात, अशोक से पूछिए कि 25 लाख रुपए दिए किसने है, प्रमोद निगम ने बोला है। बिल्कुल, अब इसने कबूल कर लिया है कि उसने बोला है, जैसे उसके वकील ने जानकारी दी अशोक के कि 25 लाख प्रिंसिपल ने दिए हैं। तो आपको खुद, आपको नहीं लगता कि इस कड़ी को जोड़ के असल आरोपी तक पकड़ा जाता? मैं ये नहीं कह रही कि प्रिंसिपल ने किया है या अशोक ने किया है, लेकिन अगर अशोक कह रहा है तो फिर क्या उस चीज को पकड़ के, उस कहते ना कि एक मुजरिम को पकड़ने के लिए छोटी सी चीज भी काफी होती है, तो इतना बड़ा बयान सामने आ गया, तो क्या लगता है कि सीबीआई को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये चीजें बहुत इंडिकेट कर रही हैं केस की तरफ। अगर वो केस इतना उलझा हुआ है तो आपको इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्यों अगर आप कोई इस तरीके की कोई चीज़ें आ ही नहीं रही हैं कि आपने प्रिंसिपल से बात की है कि नहीं की, आपने अशोक से क्या बात की, ये कोई है। अब अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है सीबीआई का, शायद ये चीज़ें अभी खुल के नहीं आई है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं से केस के आपके भविष्य का तय होगा कि ये इसमें निकलने वाला क्या है, इंसान इसी से मिलने वाला। जी वाकई अनु जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम एसपीएन 9 न्यूज़ फिर से आपसे यही कहता है दर्शकों कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ने मारा या फिर आरोपी अशोक ने मारा, हालांकि आरोपी अशोक तो अभी भी वो बस कंडक्टर जो है उसी को मेन मुख्य अपराधी माना जा रहा है इस केस का, लेकिन जिस तरह से पहलू हम खुलते आ रहे हैं, खुद हम किसी को शक के आधार पर मुजरिम एक आरोपी बना सकते हैं लेकिन अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं, तो यही हाल हमें अशोक के लिए भी सोचना चाहिए कि हाँ उसने अपना जुर्म कबूल किया लेकिन उसके पीछे कितने पक्ष रहे हैं, उसके बयानों पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर वो बयान दे क्यों रहा है, क्या उसका बयान देने के पीछे कोई और मंशा है, अगर है तो क्या है, यानी हमें बिहाइंड द स्टोरी जाना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि सीबीआई को अपनी जाँच और तेज़ करनी चाहिए और पहले के जो बयान दर्ज हुए हैं अशोक को उसको मद्देनजर रखते हुए असल आरोप को तुरंत पकड़ना चाहिए, असल आरोपी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना चाहिए। मुझे लगता है आरोपी अशोक ने जो बयान दिए हैं उसी में असल कातिल छुपा हुआ है जो कि हम शायद देख नहीं पा रहे हैं। तो दर्शकों आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगी प्रद्युम्न मर्डर मिस्ट्री से जुड़े एक और अहम पहलू को लेकर, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।